हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर ये रिसेंट अपडेट दे रहा हूँ। रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था, जो मेरा निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने डिज़ाइन किया था, तो उसका फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस उसको काफ़ी लोगों ने देखा है। तो रिसेंटली एक ट्रेड क्लोज हुआ है, दैट इज ऑन वेडनेसडे 3 मई को। एंड इट हैज गिवन 16,000 रुपीज प्रॉफिट इन वन लॉट, दैट इज अराउंड 300 पॉइंट इसने 350 साढ़े 300 पॉइंट इसने कैप्चर किया है। बट द थिंग दैट आई वांटेड टू रिपोर्ट इज, देखिए इसने एग्जिट कहाँ पे कराया है। दिस इज ए बोलिंजर बैंड, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने इसको लगाया है, और इसका जो एवरेज है दैट इज आई हैव सेट इट टू बी 200। सो ये 200 आवरली मूविंग एवरेज पर बोलिंजर बैंड है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। ये जो अपर लिमिट है दैट इज मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड नीचे वाला है मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये बोलिंजर बैंड के एकदम पास में जाके, एक्चुअली यहाँ पे जो लोग बोलिंजर बैंड पे काम करते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे अभी तो एक अच्छा शॉर्ट का जोन बन रहा है, क्योंकि इसको जिसे कहते हैं बोलिंजर ब्लास्ट होके फिर अंदर आया है, तो यहाँ पे इसने एग्जिट करा दिया। नाउ अभी फिर से थोड़ा भागा है, लेकिन देयर हैज बीन नो ट्रेड। नाउ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के जो एग्जीक्यूशन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे आपको फोमो होने लगेगा कि मार्केट ऊपर भाग रहा है लेकिन योर ट्रेड इज नॉट, यू आर अनेबल टू ट्रेड। तो उस फोमो के कारण बहुत सारे लोग, पहले मैं भी गलती करता था, कि वेदर यू शुड एंटर ए ट्रेड हियर, द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क रिटर्न आप पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे आपका जो स्ट्रेटेजी टेस्टर है, परफॉर्मेंस समरी, इसको देख के ही हम लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को यूज करने का डिसीजन लिया था। तो अगर हमें ये देखना है कि 3.5 लाख में 4 लाख का ऊपर का प्रॉफिट एक लॉट से, वो 3 साल में हमारे लिए काफी है कि नहीं है। इफ इट इज सो, देन अभी सिर्फ अभी हम लोग वी आर इन द बेस्ट पोजिशन, द विच इज द नो पोजिशन। तो एक है लॉन्ग, एक है शॉर्ट, और एक है नो पोजिशन। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन रनिंग द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो है कि एक बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनने के बाद आप जब ट्रेड नहीं लगेगा तब आप इसके अगेंस्ट में कोई भी काम नहीं करेंगे, आप मार्केट को देखने का आनंद ले सकते हैं। और देखिए अभी जो जिस जोन में है, यहाँ पे जो मैं पहले एक बार फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग करके पोस्ट किया था, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, कि इस जोन में बाई करके और यहाँ पे सेल करके कभी भी आप लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज नाउ इन द सप्लाई जोन। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास चल रहा है। तो जो एमेचर लोग गलती करते हैं कि थोड़ा सा कोई ब्रेकआउट लॉजिक लगा के, मान लीजिए ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटेजी लगाते हैं, एक क्या है, एक ग्रीन एक रेड है, इसके हाई के ऊपर चलना चालू किया। यहाँ पे जाके अगर आप बहुत सारा लॉट ले लोगे, अगर कॉल भी लोगे या फिर फ्यूचर का लोगे, तो तब तो और भी डेंजरस है। तो यहाँ पे मल्टीपल लॉस लोगे तो आपका यहाँ पे जो है अपसाइड में प्रॉफिट अभी काफी लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, और डाउन साइड में एक्चुअली आपका जब तक ये एटलीस्ट यहाँ तक नहीं आ जाता इस एवरेज के आसपास, तब अच्छा बाइंग जोन नहीं माना जाएगा। तो दिस इज द थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर। नाउ आई ऑल्सो, देयर इज ए पोजिशन विच इज नो पोजिशन। तो नो पोजिशन सबसे इम्पोर्टेंट पोजिशन है, क्योंकि इसी टाइम में ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा आपके माइंड में प्ले करता रहेगा, और खुजली होने लगता है जब मार्केट ऊपर को भागेगा, तो आप चाहेंगे कि कुछ कुछ किया जाए। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन इन लर्निंग इन, एक तो पहले आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन किया, उसको बैक टेस्ट किया, फिर अगर ये आपके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न के हिसाब से मैंने समझाया था वो अगर आपके लिए सही है, देन यू एग्जीक्यूट दिस। हम लोग क्या करना चाहिए कि जब इन जोन्स में है, 2 सिग्मा लिमिट्स के पास है, तब अगर ये निकाल रहा है देन वी शुड बी वेरी कंजर्वेटिव। अब देखिए मार्केट में प्राइस हम कभी भी एक जगह में रुका नहीं रहता है, तो
तो यहाँ भी रुका नहीं रहेगा, या तो ऊपर जाएगा तब हमको ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री करा देगा, और अगर वहां से करेक्ट करके चांसेस आर विच आर हायर कि वहां से थोड़ा रेस्ट करके प्राइसेस नीचे आए, देन यू कैन गेट अ बेटर डील। तो मैं अभी यही दिखा रहा हूँ कि ये बोलिंजर बैंड मैं अपने कोट में यूज नहीं किया हूँ, लेकिन द बोलिंजर बैंड इज हेल्पिंग टू विजुअलाइज कि एक्चुअली इसने एंट्री और एग्जिट कहाँ पे कराया है। तो ये एक वेरी गुड एग्जिट है, जैसे क्रिकेट में बैटिंग में एक इम्पोर्टेंट स्किल है टू लीव बॉल्स आउटसाइड ऑफ स्टंप। तो अगर आप लंबा पारी खेलना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ में भी स्पेशली इन फ्यूचर आपको लीव करना सीखना होगा, दैट इज एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। तो इसीलिए स्ट्रेटेजीज आर ऑल्सो हेल्पफुल। अभी हमारा स्ट्रेटेजी ने हमको बढ़िया प्रॉफिट दे के एग्जिट करा दिया है, तो अभी हमको शांति से यहाँ पे बैठना चाहिए, ना कि कोई कोई इंटरेस्टिंग कोई इनोवेटिव कुछ करने का सोचे। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एक्चुअली, कि कैसे हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। एक्चुअली जो क्रिएटिव माइंड होता है वो बहुत इनोवेटिव होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का मतलब उसके अंदर एक चीज होता है, लेकिन उसको हमें कंट्रोल करना है, अदरवाइज वी विल नेवर बी सक्सेसफुल। क्योंकि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है मैंने एक बार समझाया था, इट वर्क्स ऑन समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो उसके बारे में कभी मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। स्टेटिस्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटिस्टिक्स का, कि अगर आपका किसी कॉइन का चांस ऑफ गेटिंग हिट 50% है, उसका यही मतलब है कि एक कॉइन को अगर आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स उछालेंगे तब 50% ऑफ द टाइम्स आपको हेड मिलेगा। 5 या 10 बार उछाल के आपको कोई प्रोबेबिलिटी का फिर रोल नहीं रहता है। तो अगर आप एक स्ट्रेटेजी में बहुत दिनों तक कंसिस्टेंटली नहीं रह सकते, देन स्ट्रेटेजीज आर यूजलेस। थैंक यू।